हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है व्हाट इज 1.54 इन कंक्रीट एंड व्हाट इज 1.33 इन मोर्टार। सो फ्रेंड, नाउ देखते हैं 1.54 क्या होता है कंक्रीट में एंड 1.33 क्या होता है कंक्रीट में। सो दोस्तों, 1.54 जो होता है ये हम आपने देखा होगा, जब भी हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अगर हम फाइंड करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इनटू 1.54 करते हैं। जब भी हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कर ये निकालना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, वेट वॉल्यूम कंक्रीट के साथ 1.54 का मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? सो दोस्तों, जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होता है वो वेट इसको हम ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट। सो वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट प्लस वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट प्लस 54% वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट। दोस्तों ये 54% क्या होता है, एक्चुअल में जो 1.54 आया है वो इसको अगर डिराइव किया, मैथमेटिकली से डिराइव करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट कॉमन ले लिया गया है एंड 1 + 54% 1.54 आ गया है। सो 54% क्या होता है? सो दोस्तों 54% जो होता है ये नथिंग बट एयर गैप है। व्हाट इज दैट एयर गैप? ये एयर गैप है जो 54% है होता है। जब भी हम सपोज मैं एक कंटेनर ले लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसमें कंक्रीट हम ड्राई कंक्रीट के ये करेंगे, मटेरियल डालेंगे, सीमेंट सैंड एंड वाटर डालेंगे, दोस्तों ये हमारा कंटेनर जो है फुल ऑफ ड्राई कंक्रीट मटेरियल है, दैट मींस सीमेंट सैंड एग्रीगेट है, इसमें वाटर ऐड नहीं है। सीमेंट ये जो कंटेनर जो है फुल ऑफ जो कंटेनर जो है इसमें हम क्या है, ये मिक्स प्रोपोर्शन के हिसाब से है, मिक्स में कोई भी एक आप ग्रिड पकड़ लीजिए इसमें होगा उसके हिसाब से है जनरली। तो इसमें क्या है, सीमेंट सैंड प्लस एग्रीगेट है, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट है। दोस्तों जब इसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट ये किया हुआ और इसमें वाटर ऐड नहीं है तो पार्टिकल के बीच में एयर गैप होता है, पार्टिकल के बीच में एयर गैप होता है, जब हम उसमें वाटर डालते हैं तो वो एयर गैप रिलीज हो जाता है। जब भी हम इसमें वाटर डालेंगे वो एयर गैप रिलीज हो जाता है और क्या होता है बाद में, वो जो बाद में जब एयर गैप होता है दैट मीन्स क्या होता है, डेंसिटी जो होता है लेस होता है। एयर गैप मीन्स क्या होता है, डेंसिटी लेस होता है। जब भी वाटर उसके साथ ऐड होता है तो क्या होता है, ये बल्क होके एयर रिलीज हो जाने पर ये फुल सेटल हो जाता है, बल्क होके फुल सेटल हो जाता है। मैं जस्ट इसको अच्छे से और ये करता हूं, इसे मिटा देता हूं।
जब भी एयर गैप होता है या एयर गैप रिलीज होता है, ये क्लोजली पैक हो जाता है। जब भी एयर गैप जो है रिलीज होता है, ये अभी क्या है, ड्राई मटेरियल इसके अंदर है दोस्तों, इसमें ड्राई मटेरियल, इसमें वाटर ऐड नहीं है। और इसमें जो है सेम कंटेनर है, सपोज इसका जो है लेंथ एक्स है एंड ये जो हमें आया है वाई, इतना जो पोर्शन है वाई पोर्शन है ये एम्प्टी हो गया है और ये जो है सेटल डाउन हो गया है, ये हमारा टोटल जो हो गया, टोटल हमारा एक्स, टोटल जो है एक्स है, एक्स हो गया, टोटल हमारा एक्स है। अभी सेटल डाउन होके क्या हो गया, ये हमारा वाई हो गया, टोटल हमारा एक्स है सेटल डाउन होके, और सेटल डाउन हुआ उसको हम वाई माने, तो हमारा ये पोर्शन क्या होगा, ये जो पोर्शन होगा वो एक्स वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ये पोर्शन जो है एयर गैप रिलीज, यहां पे देखिए आप क्या बोलते हैं, यहां पे फुल ऑफ था यानी फुल एक्स हमारे फुल एक्स एक्स डिस्टेंस तक था हमारा, यहां पे जब हम वाटर ऐड किए तो दैट क्या हो गया हमारा सेटल डाउन हो गया और एक नया वाई इतने डिस्टेंस पे आ गया हमारा। सो इतना हमारा जो है गैप हो गया। ये जो गैप होता है, ये जो गैप रिलीज हुआ एयर रिलीज होके जो ये बना वही 54% है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से बताता हूं। जब भी हम ड्राई कंक्रीट की बात करते हैं, ड्राई कंक्रीट उसमें क्या होता है, एग्रीगेट सैंड एंड सीमेंट, इसके बीच में कुछ ना कुछ एयर गैप होता है, जिसके कारण क्या होता है, जब भी हम उसमें वाटर डालते हैं तो एयर गैप रिलीज होता है और जो हमारा जो मटेरियल होता है वो सेटल डाउन होता है, बल्क होकर सेटल डाउन होता है और एक दूसरे को फुल्ली डेंस हो जाता है। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी लो है, वहां पे क्या डेंसिटी है, फुल सेटल डाउन हो जाता है। जो एयर गैप जो होता है रिलीज होने का, वही जो है 54% होता है। सो जब भी हम वेट कॉन्क्रीट को ड्राई कॉन्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं, हमें ये 54% ऐड करना पड़ता है, 54% जो है हम ऐड करते हैं किसमें, वेट कॉन्क्रीट में हम ऐड करते हैं 54%। सो दोस्तों ये तो था 1.54 इन कॉन्क्रीट का बात हो गया। दूसरा जो है हमारा 1.33, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जब भी ड्राई जो कॉन्क्रीट होते हैं, ड्राई कॉन्क्रीट होते हैं उसमें जो है एयर गैप होता है, ड्राई कॉन्क्रीट होता है, दैट मीन्स क्या होता है, उसमें डेंसिटी जो है लेस होता है, पार्टिकल के बीच में जो है डेंसिटी लेस होता है, पार्टिकल के बीच में गैप होता है, एयर गैप होता है। वो एयर गैप जब हम वाटर डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो एयर गैप रिलीज होता है और जो मटेरियल होता है वो कॉम्पेक्सेटर लॉन्ग होते हैं, जिसे बल्किंग भी बोलते हैं। आपने बल्किंग ऑफ सैंड सुना होगा, बल्किंग ऑफ सैंड सुना ही होगा। जब भी अब हम उसमें वाटर डालते हैं वो क्या होता है, सेटल डाउन होता है, और उस कंडीशन में क्या होता है, एयर गैप जो रिलीज होता है वही 54% जो होता है लेते हैं। सो जब भी हम ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं उस समय वो एयर गैप कंसीडर करते हैं, दैट इज 54%। सो दोस्तों ये तो इसका हो गया ना 1.33। सेम हियर, वहां पे हमने कंक्रीट में क्या देखा था, एग्रीगेट सैंड सीमेंट, बट यहां पे हम क्या देख रहे हैं, सैंड एंड सीमेंट देख रहे हैं। सो वहां पे एग्रीगेट था, एग्रीगेट के बीच में और एग्रीगेट के बीच में वॉइड ज्यादा थे, यहां पे सिर्फ सैंड एंड सीमेंट है, एग्रीगेट का साइज बड़ा होता है एंड सैंड का साइज छोटा होता है। तो यहां पे क्या होता है, ये जो एयर गैप का जो परसेंटेज है, एयर गैप परसेंटेज जो है यहां पे 33%,
एयर गैप परसेंटेज यहाँ पे क्या मिला 33% हो गया। सो दोस्तों ये जो होता है एयर गैप, ये क्या होता है, जैसे अब इसका ड्राई कर क्या निकलता है, ड्राई मोटर इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर इज इक्वल टू, देखिए वेट मोटर हो गया दोस्तों, और एयर गैप हम पकड़ लेंगे 33% ऑफ वेट मोटर, 33% ऑफ वेट मोटर, वेट मोटर हो गया प्लस 33% ऑफ वेट मोटर, तो ये क्या हो गया, ये जो है यही एयर गैप, जो यही एयर गैप होता है यहाँ पे 33, तो ये हमें इसको जो हम सॉल्व करते हैं 1.33 इनटू वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर आ जाता है। सो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज नीचे बिलो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।